कौन सा लेटर सीखा था? याद है आपको? तो हमने, मैं यहाँ लिखती हूँ, आपको बताना है ये कौन सा लेटर है, कौन सा लेटर है? कैपिटल ए। याद आया आपको? अब हम ए के बाद कौन सा लेटर आता है? बी। तो बी सीखने वाले हैं। तो आपको कैपिटल ए तो आ गया होगा, आता है ना? अब हम कैपिटल बी सीखेंगे। तो कैपिटल बी से क्या क्या स्पेलिंग आते हैं, कौन से कौन से है? तो बी से बॉल, बी से बनाना, बी से बेड, ये सभी पिक्चर मैंने यहाँ ड्रॉ किए हैं, ये है ना? और इसके बाद भी आते हैं बी फॉर बेड, बी फॉर बास्केट, कितने सारे आते हैं ना बी से। तो आज हम कैपिटल बी लिखने वाले हैं। तो आपको बुक है जो इंग्लिश की, वो आपको निकालनी है और अपने पास रखनी है, और मैं यहाँ जैसे आपको लिखाती हूँ वैसे आपको बुक में और नोटबुक में लिखना है। तो कैपिटल बी कैसे लिखा जाता है? तो पहले क्या करेंगे हम, ऐसे दो डॉट, तो आपको भी मैं यहाँ दो डॉट कर रही हूँ, ऐसे घर पे नोटबुक पे करना है। फिर हम क्या करेंगे, ये कौन सी लाइन है? स्टैंडिंग लाइन, वेरी गुड। फिर क्या करेंगे, ये जो हमने कर्व डी सीखा था ना, ऐसे ऐसे एक कर्व डी, यहाँ जो ब्लू वाली लाइन है वहाँ हम यहाँ इससे ऊपर टच कर देंगे। फिर से यहाँ से दूसरा कर्व डी कर देंगे, तो बन जाएगा कैपिटल बी। चलो फिर से करो, बी फॉर बॉल, क्या करना है? चलो दो पॉइंट, एक पिंक वाली पे और दूसरा ब्लू वाली पे। फिर स्टैंडिंग लाइन और फिर कर्व डी, फिर दूसरा कर्व डी, तो बन गया हमारा कैपिटल बी। बी फॉर बॉल, बी फॉर बनाना, फिर बी फॉर बेड। आपने बनाना तो खाया होगा, खाया है ना? तो बी से बनाना भी होता है, फिर बी से बेड। आप जो स्कूल आते हो तो बैग लेके आते हो ना, तो ऐसे ही बी फॉर बैग भी होता है। स्टैंडिंग लाइन फॉर डी, बी फॉर बास्केट, स्टैंडिंग लाइन दो फॉर डी, बन गया बी फॉर बॉल। चलो दो पॉइंट कीजिए, फिर स्टैंडिंग लाइन और दो कर्व डी, ओके, तो बन जाएगा बी फॉर बेड। बी फॉर बॉल, दो डॉट, कौन सी लाइन पे? पिंक वाली पे और लास्ट ब्लू वाली पे। फिर स्टैंडिंग लाइन
ऊपर डी। डॉट डॉट करके भी है, उसके ऊपर आपको पेंसिल से ट्रेस